सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेल कैप्स का स्वागत करता हूँ हमारे को इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको आपका मोबाइल हैकर से कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन, उसमें मैंने आपको कहा था जो आईफोन होता है उसके कंपेरिजन एक एंड्रॉइड फोन कम सिक्योर होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको आपका एंड्रॉइड फोन कैसे सिक्योर बना सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये वीडियो खासकर सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। सो प्लीज जो लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका मोबाइल 100% हैकर से सिक्योर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका मोबाइल थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट भी वर्क करने लगेगा। सो ज्यादा उकना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली चीज है आपके मोबाइल का पासवर्ड। आपको हमेशा अपने मोबाइल का पासवर्ड जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा लगाना चाहिए। मतलब अगर आप अपने स्मार्टफोन में एक 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करते हैं तो उसे एक हैकिंग ऐप से या हैकिंग वेबसाइट से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे में हैक कर सकते हैं, क्योंकि जो 4 डिजिट का पासवर्ड होता है उसके कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 10,000 कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं, जो कि एक बहुत ही कम नंबर है, क्योंकि जितने कम कॉम्बिनेशन हो गए उतना आपका स्मार्टफोन जल्दी हैक हो सकता है। अगर आप अपने स्मार्टफोन में एक पैटर्न लॉक लगाते हैं तो उसके भी कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ 3 लाख होते हैं। हालांकि 4 डिजिट पासवर्ड से थोड़े से ज्यादा है, लेकिन 3 लाख भी बहुत कम कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि उसे भी हैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। अगर आप एक हैकिंग ऐप या हैकिंग वेबसाइट से उसे हैक करने बैठेंगे तो कम से कम 1 दिन में तो ये हैक हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप अपने स्मार्टफोन में एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन लगभग 1 मिलियन हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन नंबर है और उसे हैक करने में हैकर्स को कम से कम 5 से 6 दिन से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। मतलब जितना नंबर बड़ा होगा उतने कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे और उससे आपका स्मार्टफोन हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल आदमी है, आपकी सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, कम से कम 10 डिजिट या 16 डिजिट का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उसको हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसको हैक करने बैठ जाएंगे तो कम से कम 1-2 महीने भी लग सकते हैं। आप जितना लंबा पासवर्ड लग सकते हैं उतना ज्यादा लंबा पासवर्ड रखें, उससे आपके मोबाइल को हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक बात, अगर आप अपने मोबाइल फोन में कोई ऐसे एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिससे आपका डाटा लीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन ऐप को भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम होगा मोबाइल में एक फीचर आता है उसका यूज कर सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी मिलते हैं उसके थ्रू भी आप अपने ऐप को पासवर्ड या पिन लगा सकते हैं। सो गाइस, ये तो हो गए अपने मोबाइल के पासवर्ड की बातें। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिसकी वजह से ही खासकर अपना एंड्रॉइड फोन हैक होता है और जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हमको लगता है वो चीज सबसे ज्यादा सिक्योर होगी, वो है अपने मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर। आपको लगता होगा अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो सिक्योर होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर पर हजारों लाखों करोड़ों एप्लीकेशन है और गूगल उनको एक एक कर एनालाइज करता है। इसके वजह से कुछ ऐसे एप्लीकेशन छूट जाते हैं जिनमें हमको मालवेयर या वायरसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम उन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं, इसके वजह से हमारे स्मार्टफोन में फालतू के ऐड देखने को मिलते हैं, फालतू के नोटिफिकेशन आते हैं, इसके वजह से हमारे मोबाइल हैंग होने लगता है। और यही चीज मुझे खासकर एंड्रॉइड फोन में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम जिसे सिक्योर मानते हैं वही चीज हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ वही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके डाउनलोडर बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जिस एप्लीकेशन के डाउनलोडर 10,000, 20,000 या 50,000 के नीचे से जो डाउनलोडर है उस एप्लीकेशन के, तो आपको उस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना। लेकिन अगर आप उन एप्लीकेशन को किसी कारण डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब आपकी मजबूरी है कि उस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है, तो एक चीज आपको करनी होगी, जो उसका डेवलपर ऑप्शन है उसमें जाकर आपको देखना है कि जो उसका कोड है, मतलब जो एप्लीकेशन बनाते वक्त जो कोडिंग की है, वो ओपन सोर्स होनी चाहिए। अगर वो ओपन सोर्स होगी तो उसमें कोई क्या छुपा सकता है, उसमें आपको कोई वायरसेस तो नहीं देखने को मिलते। और तो और एक बात, और जिस बंदे ने उस एप्लीकेशन को डेवलप किया है वो बंदा एक प्रोफेशनल लेवल का या पॉपुलर बंदा होना चाहिए, तो ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। और एक बात गाइस, जितने पॉपुलर एप्लीकेशन है, जाने माने एप्लीकेशन है, सिर्फ उनको ही आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए।
क्या होता है, जो बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं वो ज्यादा ट्रस्टेड रहते हैं, उनके डाउनलोडर ज्यादा रहते हैं, उनका जो डेवलपर होता है वो प्रोफेशनल बंदा या पॉपुलर बंदा रहता है, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन में वायरसेस या मालवेयर नहीं आते। तो वही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जिसके डाउनलोडर ज्यादा रहते हैं, उसका डेवलपर एक पॉपुलर आदमी हो, तो बस वही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और एक बात उसमें ऐड करना चाहता हूं, हम लोग क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर पेड होती है उसको हम थर्ड पार्टी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड करते हैं। तो क्या होता है गाइस, कोई आदमी आपको फ्री में कोई चीज नहीं देता, क्या करता है उस एप्लीकेशन में कोड में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर उस एप्लीकेशन को फ्री करता है, और वो एप्लीकेशन अगर आपने अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर दी तो 100% में गारंटी देता हूं कि आपका मोबाइल हैक हो सकता है, क्योंकि जो बंदा आपके लिए कड़ी मेहनत कर उस कोड को बदलता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा रहता है। तो गाइस सिर्फ आप वही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, हालांकि उनमें भी थोड़े फार हमको मालवेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़े फार कह रहा हूं। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो 100% उसमें हमको मालवेयर या वायरस देखने को मिल ही जाते हैं। तो प्लीज गाइस, आप हो सकते हैं उतने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करते वक्त एक चीज ध्यान दीजिए, उस एप्लीकेशन का कोड एक ओपन सोर्स होना चाहिए, और जिस बंदे ने उस एप्लीकेशन को डेवलप किया है वो बंदा एक पॉपुलर बंदा होना चाहिए, और उसके डाउनलोडर कम से कम 50,000 से ऊपर होने चाहिए, सिर्फ वही एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। नेक्स्ट चीज है अपडेट, आपको हमेशा अपना स्मार्टफोन अपडेटेड रखना होगा। गूगल हमें हर महीने एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट पुश करता है, तो कुछ बंदे उन अपडेट को इग्नोर कर देते हैं और उसको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड नहीं करते, लेकिन गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। गूगल क्या करता है, आए दिन हमें बहुत ही ज्यादा नए नए वायरसेस या नए मालवेयर्स देखने को मिलते हैं, तो गूगल उनको डिटेक्ट कर उनका एक सिक्योरिटी पैच अपडेट हमको देता है। इसकी वजह से जो डिटेक्ट किए हैं मालवेयर या वायरसेस है वो हमारे मोबाइल में किल हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारे स्मार्टफोन हैक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको हमेशा अपना स्मार्टफोन में जो सिक्योरिटी पैच के अपडेट होते हैं अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर आपका स्मार्टफोन अपडेट करना होगा, और साथ ही साथ आपके स्मार्टफोन में जितने भी एप्लीकेशन है आपको उनको भी अपडेट करना होगा। जो मेरे फ्रेंड्स है, पर्सनली मैं खुद का एग्जांपल दूं तो मेरे जो फ्रेंड्स है उन्होंने एक बार अपने स्मार्टफोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर दी या इंस्टॉल कर दी तो भाई खत्म, इसके आगे वो कभी भी उसको अपडेट नहीं करते। लेकिन गाइस आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको हमेशा अपने स्मार्टफोन में जो एप्लीकेशन है उनको हमेशा ही अपडेटेड रखना होगा। इससे क्या होता है गाइस, अगर आपने अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर दिया लेकिन आपने उस स्मार्टफोन में जो एप्लीकेशन है उनको अपडेट नहीं कर दिया तो वो जो एप्लीकेशन है वो पुराने हो जाते हैं और जो स्मार्टफोन है वो नया हो जाता है, इसकी वजह से वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकते, जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो जाती है, वो उसमें लैग देखने को मिलते हैं। सो गाइस याद रखना कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को अपडेट करते हो तो उसमें जो एप्लीकेशन है उसको भी आपको अपडेट करना होगा। सो गाइस जो चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसको अगर आपने सुन लिया तो यकीन कीजिए आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है। मान लो अगर आपको किसी अननोन नंबर से कोई इमेज आती है और आप उस इमेज को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर देते हैं या उस इमेज को ओपन कर देते हैं तो आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है, मतलब इमेज से भी आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा है ना, लेकिन ऐसा होता है गाइस। अगर किसी अननोन नंबर से आपके स्मार्टफोन में कोई इमेज सेंड कर देता है तो आपको उस इमेज को कभी भी ओपन नहीं करना। अगर आपको अननोन नंबर से इमेज आती है तो उसको आपको पहले डाउनलोड नहीं करना, आपको सबसे पहले जिस बंदे ने वो इमेज भेजी है उसको आप जानते हो या नहीं जानते उसकी पहले खातिरी कर दीजिए और बाद ही उस इमेज को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपने बिना इंक्वायरी के उस इमेज को डाउनलोड कर दिया तो भाई खत्म, आपका स्मार्टफोन 100% हैक हो सकता है। सो गाइस क्या होता है, इमेज में भी कुछ थोड़ी फार कोडिंग कर जिनको नहीं मालूम, जिनको कोडिंग की ज्यादा जानकारी नहीं होगी उनको ये चीज मालूम नहीं होगी, लेकिन जो लोग कोडिंग को जानते हैं उनको मालूम होगा इमेज में भी हम थोड़ी फार कोडिंग कर सकते हैं और उसकी वजह से भी आपका स्मार्टफोन हैक हो सकता है। इससे बचने का एक तरीका है, आप सबको तो मालूम होगा व्हाट्सएप पर एक फीचर आता है ऑटो डाउनलोड, उसको जाकर आपको ऑफ करना है सिर्फ। अगर आपने उस चीज को ऑफ कर दिया तो आपके स्मार्टफोन में जब तक आप नहीं चाहते तब तक कोई भी फोटो या वीडियो डाउनलोड नहीं होगा। और गाइस साथ ही साथ अगर आपको कोई अननोन नंबर से कोई लिंक सेंड करता रहता है और कहता है कि भाई इस लिंक पर क्लिक कीजिए आपको 2 GB डाटा फ्री मिलेगा, 10 GB डाटा फ्री मिलेगा, आपके अकाउंट पर 10,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। अगर आपने उन लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपके स्मार्टफोन में वायरसेस या मालवेयर आने का खतरा बढ़ जाता है, और हो सकता है जो परमिशन आप किसी और को नहीं देना चाहते वो भी परमिशन उस लिंक के थ्रू जो सामने वाला बंदा ले सकता है। तो कभी भी आपको अननोन नंबर से आए हुए फोटोज या लिंक पर क्लिक नहीं करना।
सो गाइस, अभी तक मैंने जितने भी आपको चीजें बताई है इसकी वजह से आप अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचा सकते हैं। लेकिन आपका जो जीमेल आईडी है, अगर आपका कोई यूट्यूब पर चैनल है उसका जो आईडी पासवर्ड है, या ट्विटर पर आपका अकाउंट है, या इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट है, उसको हैक होने से कैसे बचा सकते है, तो उसका एक रामबाण इलाज, मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे हो, आपका ईमेल आईडी कोई भी हैक करने में फिराक में है, तो आपको इस चीज को जरूर एक्टिवेट करना होगा। ये सिंपल सी चीज है, इसका नाम है टू फैक्टरी ऑथेंटिकेशन। इससे ज्यादा आपको हैकर से और कोई भी चीज नहीं बचा सकती। सो गाइस, इससे क्या होता है, अगर आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म या किसी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं, तो आपको लॉग इन करते वक्त एक अपने स्मार्टफोन में ओटीपी आएगा। जब तक आप उस ओटीपी को उधर फिल नहीं कर देते, तब तक वो वेबसाइट या वो प्लेटफॉर्म ओपन नहीं होगा, मतलब सिक्योरिटी डबल हो जाती है। अगर हैकर्स को आपका अकाउंट हैक करना होगा, तो उसको पहले आपका अकाउंट हैक करना होगा और बाद में आपका स्मार्टफोन भी हैक करना होगा, क्योंकि उसको ओटीपी कैसे मिलेगा। इसकी वजह से इस चीज को आपको हमेशा इनेबल कर रखना होगा। सो गाइस, मैंने अभी तक आपको ऐसी 5 चीजें बताई है जिसकी वजह से आप अपने स्मार्टफोन को हैकर से बचा सकते हैं। सो गाइस, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उनको अगर आप अप्लाई कर देते हो, तो यकीन माने आपका स्मार्टफोन 99% सिक्योर हो जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हैकर को कोई नहीं रोक सकता। अगर उनको आपका मोबाइल हैक करना होगा ना, तो गाइस कुछ भी कर आपका मोबाइल हैक कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को अपने स्मार्टफोन में अप्लाई कर देंगे, तो जो हैकर्स है उनको हैक करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज इन चीजों को अपने स्मार्टफोन में अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको क्या करना है, एक इस वीडियो को लाइक देना है, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, जल्दी किसी अगले वीडियो मिलने का वादा करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।